हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नंबर्स की जो हमें ये बताएंगे कि लाइफ में लॉसेस क्यों हो जाते हैं। जी हाँ, लाइफ में कोई ये नहीं चाहता कि उन्हें लॉसेस हों, चाहे वो कोई उनसे उधार ले जाए और फिर वो लौटाए ना, या कोई धोखाधड़ी करके ले जाए, या कोई उनको बिजनेस में कोई लॉस कर दे, या उनसे कोई झूठ बोल के पैसा ले जाए, या ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए। सो किसी भी तरीके से, या आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और उसमें लॉस हो जाए, कोई ये नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि जहाँ भी वो इन्वेस्ट करे, जहाँ भी वो पैसा लगाए, वहाँ से कुछ प्रॉफिट ही निकल कर आए। पर कई बार कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं, यही इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और शेयर तो कर ही देना, और सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है। हमारा एक बड़ा अच्छा वीडियो आया था, काफ़ी उसमें व्यूज़ भी मिले हमको, ऑलमोस्ट 1.45 मिलियन व्यूज़ हमने उस पर गेन किए, राजयोग के बारे में। उसमें हमने राजयोग के बारे में बात की थी और नंबर्स कौन से थे वो नंबर्स, वो हमने लाइन ऑफ प्रोस्पैरिटी, प्लेन ऑफ प्रोस्पैरिटी की बात की थी, जिसमें नंबर्स थे 8, 1, 6, नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6, जो कि सबसे नीचे का प्लेन होता है लोशो ग्रिड के अंदर। वहाँ से हमने बताया था कि जिनके पास भी 8, 1, 6 है, ये प्रोस्पैरिटी, ये समृद्धि को डिनोट करता है। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनका दिमाग चलता है बिजनेस के अंदर, वो पैसा कमाना जानते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो स्किल बेस्ड काम करते हैं, वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। वहाँ से ये पता लग रहा था कि ऐसे लोग जिनके पास भी 8, 1, 6 है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपने आप को सक्सेसफुल फाइनेंशियली कर सकते हैं। परंतु आज हम बात कर रहे हैं लॉसेस की। ये था गेन्स की बात कर रहे थे, यहां हम लॉसेस की बात करें कि लॉसेस होते क्यों हैं, कौन से नंबर्स हैं जो लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अगर ये नंबर आपके पास है, या ये नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लॉसेस हो सकते हैं। तो वही बात हम इस वीडियो में भी करने जा रहे हैं, सेम रिपीट करेंगे। 8, 1, 6 अगर आपके ग्रिड में नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार 8, 1, 6 तो 1980s में जिनका भी जन्म हुआ है, उनके पास 8, 1 तो आ ही रहा है, यानी कि मोर देन 50% प्लेन आपका कंप्लीट है, उसके बाद भी लॉसेस हो रहे हैं। जी हाँ, तो आपको ध्यान होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि 258 जो प्लेन है, वो होने के बाद भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, वो जो अर्थ एलिमेंट है वो एक्टिवेटेड ही नहीं है, इसलिए वो अपना पूरा आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा। उसी तरीके से कई लोग होंगे जिनके पास 8, 1, 6 है, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे ऐसा, 1986 वाले जरूर हो सकते हैं, जिनका भी जन्म 1986 में है, उनके पास 8, 1, 6 आता ही आता है। परंतु उनमें से कितने लोग होंगे, उनमें से फीमेल्स भी होंगी जो वर्क नहीं कर रही होंगी, हाउसवाइफ होंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब में होंगे, बिजनेस में कितने लोग होंगे। पर आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास 8, 1, 6 है, फिर भी लॉसेस अगर हो रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो लॉस होना एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त, ये स्ट्रांग एक इंडिकेशन है कि आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जब 8, 1, 6 नहीं होगा, तो जैसे 2000 है, 2000 और 2000 के बाद, या 90s के जो बच्चे हैं, या 2000 या उसके बाद जिनका भी जन्म हुआ है, उनके पास 8, 1, 6 वाला प्लेन मोस्टली के पास आपको देखने को मिलेगा कि नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि वो बहुत फास्ट मनी गेन करना चाहेंगे, शॉर्टकट मनी में उनका विश्वास होगा कि यार ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और एकदम से मेरे पास पैसा आ जाए। तो ये चीज़ जो है, ये इन लोगों में अंदर से ये इनबॉर्न इनके साथ है, क्योंकि वो 8, 1, 6 वाला जो प्लेन है वो कहीं ना कहीं मिस है। वो जो वाइब्रेशन है, वो जो लास्ट की जो वाइब्रेशन है, वो आपकी मिस हो गई। क्योंकि आप अगर देखोगे कि लोशो ग्रिड जो है, उसमें बेस क्या है, 8, 1, 6। हर चीज का एक बेस होता है, हम बात करते हैं हमेशा 5 नंबर की, कि 5 नंबर मिडिल को रिप्रेजेंट करता है, वो एक बैलेंस बनाता है, परंतु बेस भी तो होता है किसी चीज का। तो 8, 1, 6 क्या है, वो बेस है। अगर वहां पर अगर नंबर्स मिस हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम बैलेंस कैसे करें, क्योंकि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार मेरे पास तो 1 और 8 है, या मेरे पास 1 और 6 है, या फिर मेरे पास 8 1 6 है, पर फिर भी मुझे लॉसेस हुए हैं। तो एक रीजन क्या है? लोभ, ग्रीड। आउट ऑफ ग्रीड हम क्या करते हैं, किसी ने कोई स्कीम समझाई, किसी ने कहा कि ऐसा कर लो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपने लगा दी और वो हो गया कल्याण। और दूसरा क्या है कि आपने मेहनत करी, प्लानिंग करी, आपने कोई काम शुरू किया, कोई चीज में आपने इन्वेस्ट किया, परंतु आपको वहां पे लॉसेस हो गए, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो पहला जो चीज है, जो पहला हमने कारण देखा ग्रीड वाला, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेकंड वाला हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जनरली जिनके पास 8 1 6 नहीं होगा, उनके साथ पहला वाला सिचुएशन होगा, और जिनके पास है फिर भी उनको लॉसेस हुए हैं, इसका मतलब उनके साथ सेकंड वाले चांसेस ज्यादा हैं। और उसमें एक तीसरा कारण भी होता है, वो क्या है कि आपके पास 8 1 6 है तो सही, परंतु वो एक्टिव नहीं है। अब अगर आप देखोगे कि एक एलिमेंट के पार्ट नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट के पार्ट है। 8 अर्थ एलिमेंट है, 1 वाटर एलिमेंट है, 6 मेटल एलिमेंट है। ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब करें क्या, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। नहीं है तो भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, है रिजल्ट नहीं दे रहे तो भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको 8 नंबर 1 नंबर 6 नंबर तीनों की रेमेडीज एक साथ करनी पड़ेगी। अब अगर आप इसमें एक शॉर्टकट निकलता है, शॉर्टकट क्या है कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा एक ब्रेसलेट आता है क्रिस्टल का। क्रिस्टल क्या है, जनरली अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें 8 नंबर कवर हो गया, 2 5 8 कवर हो गया। परंतु क्रिस्टल क्या है, वो लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप वो पहन लेते हो तो 8 और 6 नंबर, ये दोनों नंबर आपके एक ही ब्रेसलेट से कवर हो जाएंगे। बचा 1 नंबर, 1 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे उपाय हैं। सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्क दे सकते हैं, जल दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो मूलांक है या आपका भाग्यांक है वो 8 है, आप सूर्य को जल नहीं दे सकते, सूर्य का मंत्र नहीं कर सकते, सूर्य की रेमेडी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करो, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य देव कौन है, वो मतलब वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान कर रहे हैं, आपके मूलांक से उनको क्या लेना देना। आप उनको अगर सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मन में एक भाव आपको ये रखना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लॉसेस हो रहे हैं या मुझे फायदा नहीं हो रहा, कृपा करिए सूर्यदेव मुझ पर। हाँ मैं 8 मूलांक वाला हूँ, हाँ मैं 8 भाग्यांक वाला हूँ, परंतु मुझ पर कृपा करें आप, और उसके बाद आप करिए। अगर आपको फिर भी मन में वहम है कि मैं सूर्य को जल नहीं दे सकता, मैं मंत्र नहीं कर सकता, सूर्य नमस्कार तो कर सकते हो, वो तो योग का अंश है सूर्य, वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई और आपका सूर्य नमस्कार भी हो गया, ठीक है। तो ये जनरल है, बाकी आप 8 1 6 को आप एक्टिवेट करने के लिए और बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हो, और उसका लिंक हमने दिया हुआ है रेमेडीज का, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हो। पर आपको दिमाग में ये क्लियर रखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं 8 1 6 का जो प्लेन है उसको एक्टिवेट, उसको और ज़्यादा वाइब्रेंट करना पड़ेगा, तब जाके शायद हमको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक ही रीज़न नहीं होता। ग्रहों की आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में ग्रहों की चाल हो सकती है, दशाएं हो सकती है, अंतर दशाएं हो सकती है, जो साल चल रहा है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ऐसा है आपके साथ तो उसको ज़रूर आप एक्टिवेट करिए और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो बाकी रेमेडीज़ के लिए लिंक आप देख सकते हैं कि नंबर्स की रेमेडीज़ के लिए, वो आप दिया हुआ है नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।